Hey, what is guys? Welcome back to my another video. तो आप लोगों के यहाँ पे स्वागत है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके के आपके यहाँ पे थीम देखने को मिलने वाले। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, अगर भाई चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजिली तरीके से पहुंच सके और सारी वीडियो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकें। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट वाले थीम से, जिसकी लुकिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एकदम अमेजिंग एंड एक्स्ट्रैक्टिव सा लुक देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एकदम एक्स्ट्रैक्ट लुक। इसका जो आइकन पैकेगा आपको थोड़ा MIUI 12 से यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलेगा एंड इस तरीके की आपको एक लुकिंग देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर थीम की जो लुकिंग है वो एक्साइटेड सी एंड कुछ इस तरीके का आपको इसमें कंट्रोल सेंटर का व्यूविंग देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। अच्छा खासा थीम देखने को मिल जाएगा, जो कि थीम यहाँ पे आपका डार्क मोड लाइट मोड इजिली वे में सपोर्ट करता है। आप वन टैप में इसको डार्क मोड में शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको डार्क मोड में शिफ्ट कर लिया एंड अच्छी खासी थीम की लुकिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑल ओवर अच्छे खासे यहाँ पे इसको डिजाइन किया गया है। अगर बैक गेस्ट यूज कर सो तो देख सकते हो इस तरीके का आपको इसमें एनिमेशन देखने को मिलेगा, अच्छा खासा यहाँ पे जेंटल सा लुक देखने को मिल जाएगा। पूरा का पूरा थीम जो है भाई बेस्ट लुकिंग देता है, क्लियर लुकिंग संग आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्पेशल सा लुक आपको इसके टॉगल्स में देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना BT ऑन कर रखा है और वाईफाई में देख सकते हो कितना गैप देखने को मिल जाता है एंड बड़े आइकन्स आपको इसमें टॉगल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छी खासी लुकिंग देखने को मिल जाती है और एक गेट सा व्यूविंग आपको इस तरीके से थीम में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका थीम यहाँ पे डार्क मोड भी सपोर्ट करता है। जैसे आप इसके लोकेशन पर आओगे तो लोकेशन आपको कुछ इस तरीके से एनिमेटेड देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे थोड़ा बग के संग ओपन होती है, मे बी शायद मेरी डिवाइस में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इजिली आपको दिखाया दे रहा होगा क्लिक टू आइकन म्यूजिक प्लेयर। जैसे आप इसका आइकन पे टैप करोगे आपको एकदम म्यूजिक प्लेयर का यहाँ पे विजिट देखने को मिलेगी एंड कुछ इस तरीके की आपको इसमें विजिट देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे डार्क मोड एंड लाइट मोड में इसका अलग अलग सा लुक यहाँ पे देख सकते हो। आपको एकदम MIUI 13 वाला यहाँ पे विजिट देखने को मिल जाएगी, एक अच्छी खासी सी लुकिंग देखने को मिल जाती है थीम की, जो कि आप इस पर म्यूजिक पर टैप करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका कंट्रोलर देखने को मिलेगा एकदम एक्सक्लूसिव सा और अच्छी खासी लुकिंग है। ये वाला थीम देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको जाना होगा थीम शॉप पे एंड वन टेक में आप इसको इजिली यहाँ पे डाउनलोड कर पाओगे। नाम इसका हो जाता है लाइन एब्स्ट्रैक्ट, आपको सर्च करना होगा जिसको यहाँ पे दिख रहा है देख सकते हो एंड इजिली वे मैं इसको यहाँ पे वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। आपको थीम नंबर 2 कुछ इस तरीके से लुकिंग जैसे देखने को मिलेगा। ये वाला थीम जो भाई बेस्ट देखने को मिल जाएगा, आप इसको लाइट मोड में भी यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे डार्क मोड में भी यूज कर सकते हो। मे बी किसी डिवाइस में यहाँ पे डार्क मोड में बग हो या दिक्कत कर सकता है, क्योंकि मेरे दूसरे डिवाइस में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत किया था तो इस वाले में यहाँ पे नहीं दिक्कत करता, लेकिन इजिली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है लाइट मोड में। आप इसका आइकन पैक वो एकदम यहाँ पे क्लीन और यहाँ पे देख सकते हो एकदम कलरफुल और एब्स्ट्रैक्टिव सा लुक देगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी लुकिंग देखने को मिल जाएगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका डायलर कस्टमाइज हो जाता है, बैकग्राउंड में आपको एक वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा और थोड़ा यहाँ पे रिड्यूस कलर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड इस तरीके के आपको इसमें जो कि कंट्रोल पैनल है या कंट्रोल सेंटर की लुकिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि एक्साइटेड सा एंड यहाँ पे थोड़ा यूनिक सा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एकदम कलरफुल और यहाँ पे टेक्सचर व्यू आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन में भी आपको अबाउट कुछ इस तरीके से लुक यहाँ पे चेक चेंज होता हुआ दिखेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो एंड इस तरीके का आपको अबाउट फोन का लुक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बैक आइकन का एरो देख सकते हो आपको किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जो कि यहाँ पे थीम की जो लुकिंग है वो आपको एकदम क्लियर लुकिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो सारे के सारे जो टॉगल्स हैं इसके वो भी यूनिक से एंड यहाँ पे एकदम रीडिजाइन कर दिए गए हैं, जो कि एकदम अट्रैक्टिव सा लुक देखने को मिल जाता है। थीम में एक स्पेशल लुक है और आप इसको यहाँ थीम को यूज़ करोगे तो यहाँ पर क्लियर लुकिंग आती है और एक परफेक्ट सी यहाँ पे व्यूविंग आती है, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो एंड जैसे आप उसके लोकेशन पर जाओगे तो लोकेशन पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी और लोकेशन में तो भाई नेक्स्ट लेवल आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे इस 0 आइकन पर टैप करोगे तो कुछ तरीके से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपको वाईफाई डाटा रिंग या फ्लैश आपको जो भी है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा एंड इजिली वे में आप इनको यहाँ पे ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने फ्लैश को ऑन किया तो बैकग्राउंड में फ्लैश मेरा ऑन हो जाता है एंड इसको मैं ऑफ करता हूँ तो इजिली वे में यहाँ पर ऑफ हो जाता है। यहाँ पे वाईफाई और डाटा मैंने ऑन कर रखा है तो इजिली वे में आप इसको कुछ इस तरीके से लुकिंग देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको देख सकते हो आपका यहाँ पे बैटरी लेवल दिखाएगा और कुछ इस तरीके से आपको ये वाला थीम देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको वॉल पेपर ब्लर मोड में दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे आप सेटिंग के आइकन पर टैप करोगे तो आपको इसकी सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे एकदम नेक्स्ट लेवल आपको मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे देख सकते हो आप इसका टैक्स वैक्स सब यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पे अगर आपको ब्लर वॉलपेपर रखना है तो ब्लर भी आपका वॉलपेपर यहाँ पे रख सकते हो। अगर यहाँ पे आपको जो वॉलपेपर है इसमें वो मैंने यहाँ पे अलग से अप्लाई किया, लेकिन क्या होगा भाई आप जब वॉलपेपर अपने लोकेशन पर अप्लाई करोगे तो वो लोकेशन पर वॉलपेपर अप्लाई नहीं होगा, आपको वहाँ पे कस्टम वाला ही वॉलपेपर दिखाएगा। लेकिन अगर आपको अपना कस्टम वॉलपेपर लगाना तो यहाँ पे देख सकते हो चेंज टू वॉलपेपर आपको दो तरीके का यहाँ पे लुक देखने को मिल जाता है, एक तो डिफॉल्ट वाला और इसका एक और वॉलपेपर है। लेकिन आपको यहाँ पर कस्टम वॉलपेपर यूज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया तो कस्टम वाले पे टैप कर दीजिए एंड कैंसिल कर दीजिए। इजिली वे में आप इसको इसका कस्टम वॉलपेपर यहाँ पे यूज कर पाओगे अपनी लोकेशन पे कुछ इस तरीके से लुक के संग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं इसको यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ एंड आप अपना यहाँ पे जो कि आपको पसंदीदा वॉलपेपर है अपनी लोकेशन पे लगाना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना आपको एकदम नॉर्मल वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जो कि इसके लोकेशन पे आपको डिफॉल्ट सा सेट होने का देखने को मिल जाता है। तो इजिली वे में आप उसको यहाँ पर डाउनलोड कर पाओगे, जाना होगा आपको थीम स्टोर पे सर्च करना होगा, आपको कुछ
तरीके से आपको इसका नाम देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हो। आप इजीली वे में आप इसके स्पेलिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी लिखा देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। इसके चेंज करने के लिए मैंने बता चुका है क्या करना है, आपको सेटिंग के आइकन पर टैप करना है एंड इजीली वे में उस तरीके को यहाँ पर फॉलो करना है एंड थीम का जो आपको लुक है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एक नंबर क्लियर थीम देखने को मिल जाता है। थीम नंबर 3 जो है आपको एकदम ये भी क्लियर लुकिंग संग देखने को मिल जाएगा। 3 वाला थीम जो है भाई आपको एकदम यूनिक और यहाँ पे जो कि भाई वीआईपी लुक के संग देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसका डायल पैड का व्यू देख सकते हो किस तरीके से यूनिक से लुक के संग, और यहाँ पर जो पूरा रीडिजाइन किया गया है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम एक्सलेंट यहाँ पर लुक देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर इसका कंट्रोल सेंटर चेकअप करोगे तो वो भी सेम इसी तरीके से आपको लुकिंग देगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको योन और इजिली वे में आपको यहाँ पे पता चल पाएगा। और सेटिंग अबाउट भी यहाँ पे चेकआउट करोगे तो ये वाला थीम जो भाई आपको डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता है इजिली वे में, आप इसको यहाँ पे लाइट मोड में यूज कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे लाइट मोड में भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड देखने को मिलता है वो इसमें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा यहाँ पे ग्रे कलर का देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं पे आपको क्रीमी कलर देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आंखों पे इतना इफेक्ट नहीं करता। आप इसको इजिली वे में यहाँ पे यूज कर सकते हो, मैं भी इसको यहाँ पे लाइट मोड में यूज कर रहा हूँ और अच्छी खासी यहाँ पे थीम पे लुकिंग देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे देख सकते हो MIUI वर्जन टोटली यहाँ पे चेंज हो जाता है और कुछ इस तरीके से लुक के संग देखने को मिल जाएगा। आप इस थीम में फुल स्क्रीन गेस्चर यूज करते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो बैक वाला बटन आपको किस तरीके से गेस्चर के संग देखने को मिलेगा जो कि एकदम यहाँ पे कंपैटिबली डिजाइन किया गया है और एकदम एक्साइटेड सा थीम का लुकिंग देखने को मिल जाता है। भाई की यहाँ पे क्लोक देखने को मिल जाती है जो कि ऑब्वियसली वो भी यहाँ पे अच्छी खासी लगती है, लेकिन इस थीम में एक और यहाँ पे कमाल चीज हो जाती है। जैसे आप अपने व्हाट्सअप को ओपन करोगे तो आपका व्हाट्सअप यहाँ पे डिजाइन हो चुका होगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको पूरा का पूरा जो टेक्स्ट मैसेज है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। जब भी आप किसी को यहाँ पे मैसेज करोगे देख सकते हो आपको जो सेंड वाला बटन देखने को मिलता है वो किस तरीके से आपको रीडिजाइन कर दिया गया एंड इजी वे में आप उसको सेंड करोगे तो आपको यहाँ पूरा कुछ इस तरीके से लुकिंग के संग देखने को मिल जाता है। अच्छी खासी थीम है और यहाँ पे जो व्हाट्सअप का पूरा मॉड्यूल्स पूरा यहाँ पे चेंज कर देती है और आप इसको इजीली वे में यहाँ पे अपने व्हाट्सअप को चेंज करने के लिए वाले इस थीम का यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पे यूज किया है और बहुत कुछ यहाँ पे चेंज कर देती है। आप अगर अपने व्हाट्सअप को यूज करोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखेगा, मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता प्राइवेसी के कारण, तो आप अपने व्हाट्सअप में यहाँ पे अप्लाई कर लेना जब जाके इसको देख लेना। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, आपको अपने व्हाट्सअप को यहाँ पे पहले व्हाइट मोड में शिफ्ट कर लेना। अगर आप यहाँ पे डार्क मोड को व्हाट्सअप में यूज करते हो तो आपको यहाँ पे व्हाइट मोड में शिफ्ट कर लेना, तब जाकर इस थीम को यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी की पूरी लुकिंग देखने को मिल जाएगी। तो लोकेशन भी आपको एकदम यूनिक से जो कि आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 12 वाला थीम देखने को मिलता है तो उसी के बेस्ट में आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे जैसे कि विजिट का आइकन पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आपको 3 टाइप ऑफ क्लोक देखने को मिल जाएगी एंड आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो जो कि आपको अच्छा खासा लगता है, वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको इनमें फीड करना है कोई सा कलर तो वो टोटली यहाँ पे चेंज कर सकते हो एंड आपको एंड्रॉइड 12 जो वाली क्लोक का लुक देखने को मिल जाएगा। और थीम का यहाँ पे ये जो वॉलपेपर है ये मैंने अलग से चेंज किया तो इसका जो लुक है वो अलग से देखने को मिलेगा। और इस थीम के यहाँ पे देख सकते हो आपको टोटली जो कि यहाँ पे भी डिजाइन किया गया है वॉलपेपर को वो भी अच्छी खासी यहाँ पे लुकिंग देता है एंड एकदम यहाँ पे जूम आउट वाला आपको इसमें फीचर देखने को मिलेगा। जब भी आप अपने फोन को अनलॉक करोगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे देख सकता हूँ अपने फोन को अनलॉक करता हूँ तो कितना जूम आउट वाला फीचर देखने को मिल जाता है एंड इजीली वे में आप इसको यहाँ पे अनलॉक कर पाओगे। एकदम यहाँ पे क्लियर थीम हो जाता है, इसको यहाँ पे यूज कर लेना एंड्रॉइड 12 के लिए बेस्ट थीम हो जाता है जो कि अगर आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो और इसमें आपका व्हाट्सअप भी चेंज होता है तो सोने पे सुहागा वाली एक चीज से दो निशाने वाली बात हो जाती है, तो आप इस थीम को यहाँ पे यूज कर सकते हो एकदम यहाँ पे क्लियर लुकिंग के पाने के लिए और कोई भी बग नहीं, एकदम लाइट वेट देखने को मिल जाएगा। थीम शॉप पे आपको जाना होगा एंड सर्च करना होगा, देख सकते हो इसका आपको नाम देखने को मिलेगा गेक निको निको, आपको कुछ इस तरीके से इसका नाम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसका नाम दिखाई देगा लिखा हुआ, तो वहाँ से आप टाइप कर सकते हो देख के एंड इजीली में आप इसको सर्च कर सकते हो एंड अपने फोन में इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये सारी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड फिर वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर ये तीनों काम कर चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी और अमेजिंग वीडियो में, जितने के लिए जय हिंद जय भारत।